अस्सलामु अलैकुम, मैं अहमद मुख्तार हूँ। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आपकी राय को अहमियत दे सकूँ, उसके बारे में बात कर सकूँ, आपके कमेंट्स को शो कर सकूँ लोगों के सामने आपकी क्या राय है। ठीक है, और आज जब जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है औरिया मकबूल जान साहब ने एक ट्वीट किया। वैसे तो उन्होंने काफ़ी ट्वीट किए हैं आज, यके बाद दिख रहे काफ़ी ट्वीट्स किए हैं, लेकिन ये जो ट्वीट मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, ये ट्वीट उन्होंने किया है कि उस बंदे ने जो सिपाही ने को गोली मारी, उस एक्स सर्विसमैन ने, पुलिस फौजी ने जो रिटायर्ड फौजी था उसने पुलिस वाले को गोली मारी, तो वो तकरीबन हक बजानब है और ये साहब का यही कहना था। तो इसके बारे में बात करना चाह रहा था कि हकीकत ये है कि एक तो वो बंदा जो गोली मारने वाला था वो कि अवाम का बंदा नहीं था, कोई पब्लिक का बंदा नहीं था, वो एक एक्स सर्विसमैन था, एक रिटायर्ड फौजी था और सीनियर था। तो साफ जाहिर है कि उसकी लाइफ को ख़तरात भी है, जो रिटायर्ड सीनियर फौजी है उसकी लाइफ को ख़तरात तो होते ही हैं, उसे ऐसे रिस्क वगैरह तो मिलते ही रहते हैं, तो ऐसे रिस्क से निपटने का भी उन्हें अंदाज़ा था। वो गोली चलाना चाहता था, उसके पास हथियार थे, और रात के इस पहर जब पुलिस वालों ने रेड किया तो पुलिस के पास काफ़ी ऑप्शंस थे। सबसे पहले तो उन्हें दरवाजे को दस्तक देनी चाहिए थी, दरवाजे पे दस्तक देनी चाहिए थी। अगर वो बंदा बाहर नहीं निकलता तो फिर पुलिस कोई और कदम उठाती, दीवार फाड़ती या दरवाज़ा तोड़ती, कुछ भी करती। ठीक है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन तो यही होनी चाहिए थी कि वो दरवाजे पर दस्तक देते और वो बंदा लाजमी हाज़र होता। वो एक रिटायर्ड फौजी था, वो इस तरह भागने वाला बंदा तो था ही नहीं, वो उनके छापे की वजह से भाग गया था, वो ऐसा बंदा तो था ही नहीं। तो पुलिस वालों ने गलती तो की, ठीक है, लेकिन उस बंदे ने शूट किया ऑन फर्स्ट साइड, ऑन साइड शूट कर दिया। लेकिन मैं भी उसके पास थोड़ा टाइम उसे देता, देख लेता कौन है, फौजी था वो, कोई पब्लिक का बंदा तो नहीं था कि यकदम उसने फायर कर दिया। वो देख सकता था, वो नोट कर सकता था कि बंदा कौन है जो इस तरह चुपके से दाखिल हो रहा है घर में। तो मैं भी उस बंदे की जान बच जाती, जिसे जिसके अब बच्चे जो हैं, बीवी जो है, पता नहीं उसका क्या बनेगा, उसका फ्यूचर। हालांकि वो नासिर शाह साहब ने जो सिंध वाले, उन्होंने बयान दिया है कि आइंदा 10 साल तक उसके घर वालों की कफालत की जिम्मेदारी लेते हैं, ये एक अच्छा कदम है, इसकी तहसीन करनी चाहिए। तो आप लोगों ने अपनी राय देनी है कि क्या उस फौजी ने ठीक किया या उस फौजी ने गलत किया, क्या पुलिस वाले ठीक कर रहे थे या गलत कर रहे थे। शुक्रिया।